नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर ज्यूडिशरी चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में घटना चक्र के क्वेश्चंस की। आईपीसी के क्वेश्चंस है, ये आईपीसी के क्वेश्चन है घटना चक्र के। फ्रेंड, इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाल दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई, पहला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता कब प्रवृत्त हुई थी, तो ये हुई थी 1 जनवरी 1862 को जो है भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियमित किया गया था 6 अक्टूबर 1860 को। भारतीय दंड संहिता 1860 को गवर्नर जनरल की अनुमति से 6 अक्टूबर 1860 को मिली, जिसे अधिनियमित तिथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज़ एसोसिएटेड विद ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन पिनल कोड, तो इसका आंसर है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले जो है भारतीय दंड संहिता के ड्राफ्टिंग से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो ये किया गया था भारत के पहले विधि आयोग के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है अपराध ऐसे दोष होता है जिसकी अनुशासित दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है, यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट के द्वारा। निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने ऐसा कहा, ये कहा था कैनी ने, ऑप्शन सी। कैनी की पुस्तक है आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ, इसमें इन्होंने इस बात को बताया था। अगला है अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध है तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल है, दोनों ही होते हैं ये स्टीफन ने बोला है, प्रतिकूल दोनों ही होते हैं ये बोला है स्टीफन का स्टेटमेंट है ये। अगला क्वेश्चन है अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध है तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है, ये विचार किसका है, स्टीफन के द्वारा है, कहा गया है। देखिए 1995 में भी बना था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है किसी कार्य को निषिद्ध करने या समादेशित करने वाली लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कोई कार्य अपराध है, ये कथन है विलियम ब्लैकस्टोन का। अगला क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन है प्राचीन समाजों में दंड विधि अपराध विधि नहीं है बल्कि यह दोष विधि है, ये कथन है हेनरी मैन का। अगला क्वेश्चन है एक अपकार जिसे पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा दी जाती है अपराध है, ये कथन दिया है ऑस्टिन ने। नेक्स्ट है आपराधिक विधि के प्रतिक्रिया कृत्यात्मक दृष्टिकोण को उजागर किया है, ये किया है इंग्लैंड के बुलडेफेंड समिति ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन इंगित करना है, पहला है अपराध अनिवार्यता एक अनैतिक कृत्य है, दूसरा अपराध एक वैधानिक कृत्य है, यही इसका सही आंसर है। अपराध अनिवार्यता एक समाज विरोधी कृत्य है या फिर अपराध अनिवार्यता एक धर्म विरोधी कृत्य है, तो जो अपराध होता है वो अवैधानिक कृत्य होता है। अगला क्वेश्चन है आशय कार्य का लक्ष्य है, हेतु जिसका स्रोत है, ये कथन ऑस्टिन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है, तो ये संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पर भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होती है। इसके अलावा अपराध भारत में अपराध किए करने वाले एक विदेशी नागरिक पर, जापान के अधिकार क्षेत्र के ऊपर भारतीय विमान में किया गया अपराध, और भारत में भारत के जलीय क्षेत्र पर एक विदेशी द्वारा किए जाने वाले अपराध, ये तीनों ही भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता में परिभाषित स्त्री शब्द से तात्पर्य है कि उस मानव नारी से है, किस मानव नारी से, तो किसी भी उम्र की हो चाहे वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त ही शब्द वह शब्दावली में सम्मिलित होते हैं कि पुरुष और नारी दोनों। अगला प्रश्न है 18th क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अपराध के आवश्यक तत्व हैं, तो इसके आवश्यक तत्व है इसका आवश्यक तत्व होगा मानव प्राणी, दुराशय और आपराधिक कृत्य, ऑप्शन सी है इसका आंसर। मानव आपराधिक मनस्थिति यानी कि दुराशय और आपराधिक कृत्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तत्व अपराध का एक आवश्यक तत्व नहीं है, उद्देश्य है आवश्यक तत्व नहीं है। अगला है मैंसरिया से क्या तात्पर्य है, तो मैंसरिया होता है दुराशय। नेक्स्ट है आपराधिक मनस्थिति का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ मैंसरिया अपराधों के निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित नहीं है, तो ये सख्त देयता इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है
उत्तर गलत बताना है आपको। इसमें है। अपराध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं, तो इसमें जो गलत है वो ये है कि ऐच्छिक और अनैच्छिक कार्य है। नेक्स्ट है आपराधिक दायित्व के दो महत्वपूर्ण तत्व, आशय और कार्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अपराध की चार अवस्थाओं के सही क्रम है? सबसे पहले आशय है, फिर उसके बाद तैयारी, फिर प्रयत्न, फिर परिणाम, ये सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है? अपूर्ण अपराध आपराधिक प्रयत्न है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26th क्वेश्चन, कथन है अपराध इसलिए दंडनीय है कि विधि में उसका उपाय किया गया है। इसका कारण है कि अपराध समाज की नैतिक चेतना के लिए असहनीय है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, ए सही है, कथन सही है, कारण गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूत्र नलम क्रीमेन सिने ले ले लेगे नल्ला पोइना सिने लेगे, इसमें निम्न में से क्या अभिप्रेत नहीं है? इससे जो अभिप्रेत नहीं है वह है विधि की अधिमान्यता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपराधिक दायित्व के इस सिद्धांत की केवल कृत्य ही नहीं दोषपूर्ण मानव स्थिति भी को विकसित किया गया था, यह है कॉमन लॉ न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन, आपराधिक विधि के विषय में निम्नलिखित लेखकों में से किसने कहा है कि यह सूत्र एक्स्ट्रा नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिटरिया आपराधिक विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सूत्र को केवल इंग्लैंड के न्यायालय ने ही स्वीकार नहीं किया है अपितु हमारे स्वयं के न्यायालय ने भी मान्य किया है कि अपराध के दो आवश्यक तत्व होते हैं, प्रथम शारीरिक तत्व, द्वितीय मानसिक तत्व। ये है सी आर निगम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? तो ये जो नहीं है वो है दुराशय को पूर्ण करने के लिए चाहे कार्य व्यक्ति द्वारा किया गया हो अथवा नहीं, ये इसका जो है आवश्यक तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अवधारित किया है, कि भारतीय दंड संहिता में एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस सिटरिया जैसी उक्ति पूर्णतः अप्रासंगिक है? ये कहा है जेडी मेन क्रिमिनल ऑफ इंडिया में, एच एस गौर पीनल ऑफ इंडिया में, और रतन लाल धीरज लाल लॉ ऑफ क्राइम्स में। तो ये उपरोक्त सभी में ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत उत्तर बताना है इसमें से, आपराधिक दायित्व की आवश्यक शर्तें इस ये है कि इस बात का ज्ञान कि कारित कार्य विधि विरुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आपराधिक दायित्व की आवश्यक शर्त नहीं है? तो ये नहीं है कि कार्य का विधि द्वारा प्रसिद्ध होने का ज्ञान हो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कभी कभी अपराध तत्व तब भी घटित होता है भले ही वह आपराधिक मनस्थिति के साथ कारित ना किया गया हो, ऐसे मामले जो है कठोर दायित्व के होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित अपराधों में से कौन सा कठोर दायित्व का अपराध है? तो ये होता है दुर्विवाह। अगला क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अपराध में दुराशय का आवश्यक तत्व नहीं है? तो यह है दुर्विवाह, इसमें दुराशय का आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद मनः स्थिति के सिद्धांत के पुनर्जीवन से संबंधित है? यह है ब्रैंड बनाम वुड, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन, दुराशय के सिद्धांत को ब्रिटिश कॉमन लॉ में सर्वप्रथम एक चोरी के मामले में लागू किया गया, ये किया गया था कोक सीजे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं कर दिया गया है, यह मत किस वाद में सर्वप्रथम व्यक्त किया गया? ये किया गया था सेराज बनाम डी रुटजेन के वाद में। अगला क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना गया है जब तक कि इसके प्रतिकूल, सेम क्वेश्चन है फ्रेंड ये, सेराज बनाम डी रुटजेन के मामले में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाद दुराशय के सिद्धांत और संविधि अपराध से संबंधित है? यह आर बनाम प्रिंस। अगला प्रश्न है आपके जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः एक कर्तव्य है परंतु इसको दूसरों के लिए बलिदान करना परम कर्तव्य है, यह टिप्पणी क्वीन बनाम डडले एड स्टीफन वाद में की गई थी, ये की गई थी लॉर्ड कॉलरिज के द्वारा। अगला प्रश्न है 43 क्वेश्चन, आर बनाम प्रिंस इसके इस वाद में किस न्यायाधीश ने कहा था कि उन अपराधों में जो विधिक अपकृत्य हैं अभियोजन पक्ष को दुराशय सिद्ध करना होता है?
जबकि ऐसे अपराधों में जो स्वयं के विधिक एवं नैतिक रूप से हानिप्रद है उनमें विशिष्ट रूप से दुराशय को सिद्ध नहीं करना पड़ता, दुराशय मान लिया जाता है, ये कहा है न्यायमूर्ति ब्लैकबर्न ने। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन, आर बनाम प्रिंस के प्रकरण में प्रिंस को दंडित करने का आधार था प्रिंस का कार्य अवैध और निषिद्ध होना। 45 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दुराशय को अपराध का एक आवश्यक अंग माना है, ये माना है श्रीनिवास मल बोरिलिया बनाम एम्परर में, आर बनाम टॉलसन में और नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य में, तीनों ही वाद में दुराशय को अपराध का एक आवश्यक अंग माना है। नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन, यह है कि केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन भी अपराधी ना हो, निम्नलिखित में से किस वाद में इस सिद्धांत की विवेचना की गई थी, ये की गई थी आर बनाम टॉलसन के वाद में। अगला है 47 क्वेश्चन, एक पति अपनी पत्नी को बिना सूचित किए कहीं चला गया, उसने उसके बारे में पता लगाया परंतु कुछ पता नहीं चला, 6 वर्ष तक इंतजार करने के पश्चात महिला ने पुनर्विवाह कर लिया, 7 वर्ष के आश्वासन के पूर्व ही पति वापस आ गया और पत्नी पर दूसरा विवाह करने का वाद लाया, यहाँ पर पत्नी द्विविवाह की दोषी है क्योंकि उसका पति अभी जीवित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में न्यायालय ने पूर्ण रूप से यह निर्धारित नहीं किया कि दुराशय अपराध का एक आवश्यक अंग है, ये नहीं किया था सूरज प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1961 SC 631, इस वाद में नहीं कहा था कि दुराशय अपराध का एक आवश्यक अंग है। अगला प्रश्न है 49 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाद आपराधिक मनस्थिति यानी कि दुराशय से संबंधित नहीं है, तो वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर ये नहीं है संबंधित। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद दुराशय के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो सेम को ये है रैग बनाम गोविंदा। फ्रेंड्स, ये थे हमारे IPC के घटना चक्र के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी, वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।